नमस्कार। जीवन में ऐसे व्यक्ति का साथ अवश्य देना, ऐसे व्यक्ति के साथ में अवश्य खड़े रहना। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग राजनेता के किसी राजनेता के साथ में सेल्फी खिंचवाते हैं कि किसी बड़े आदमी के साथ में खड़ा रहना पसंद करते हैं। कह रहा नहीं यार, वो बड़े आदमी की नज़रों में आना पसंद करते हैं, उसके पीछे पीछे भागते हैं, उसके पीछे एक सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, उसके हर प्रोग्राम में अटेंड होते हैं भले ही वो बुलाए नहीं। राजनेता हो गए, बड़े बिजनेसमैन हो गए या कोई बड़े बड़े आदमी हो गए, लोग उनके पीछे भागते हैं। लेकिन एक्चुअली उनको पता नहीं होता है कि जब कोई काम पड़ता है ना उनके, या जब कोई मुसीबत आती है ना, तब वो साथ नहीं देते हैं, तब वो उनको पूछते भी नहीं है और लोग उनके पीछे पीछे भागते हैं, उनकी सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, उनके सामने जी हुजूरी करते हैं, उनके सामने इतना झुक जाते हैं। लेकिन वास्तव में, रियलिटी में, वो उनकी मदद नहीं करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, दूर से कहते, अरे यार उस आदमी से मेरी पहचान है यार, उस राजनेता से मेरा, वहां तक पहुंचे, और एक्चुअल में जब कोई काम पड़ता है ना, तब वो काम नहीं आता। जीवन में ध्यान रखना, ऐसे लोगों को इंपोर्टेंस मत देना। अगर आप इंपोर्टेंस दो अपने जीवन में, किसी को अहमियत दो अपने जीवन में, किसी को सम्मान दो, तो ऐसे व्यक्ति को देना जो आज मैं आपको बताता हूं। ऐसे व्यक्ति को सम्मान देना, ऐसे व्यक्ति के साथ में खड़े रहना और ऐसे व्यक्ति के सुख दुख में साथ में खड़े रहना। जो व्यक्ति हर पल हर मुसीबत में आपके साथ में खड़ा रहे ना, उसका साथ अवश्य देना। भले ही वह इंसान छोटा क्यों ना हो आपसे, भले ही वह इंसान आपसे पैसे से कमजोर क्यों नहीं हो, भले ही उस इंसान का रुतबा आपसे कमजोर क्यों ना हो, भले ही वो इंसान आपकी बराबरी का ना हो, लेकिन अगर वो इंसान हर पल हर घड़ी में आपका साथ देना, तो उसके जीवन में आप उसको अहमियत जरूर देना, आपके जीवन में उसको अहमियत जरूर देना, उसकी मदद आप अवश्य करना। वरना आपके काम पड़ेगा और आप बड़े बड़े लोगों के साथ में रहते हो और कोई भी व्यक्ति उस वक्त आपके पास नहीं आएगा और वो छोटा व्यक्ति आपके पास में आ जाएगा, तो कौन बड़ा हुआ आपके लिए? वह बड़ा व्यक्ति आपके लिए बड़ा हुआ है या वह छोटा व्यक्ति जो संकट में आपके साथ में खड़ा रहता, वो बड़ा हुआ आपके लिए? सोचना, जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक फॉर योर लाइफ, जस्ट थिंक योर फैमिली, कि आपके संकट के समय कौन खड़ा रहता है। ऐसे व्यक्ति का आप जरूर साथ देना, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर अहमियत देना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ढूंढने से नहीं मिलते हैं। बाकी तो हजारों लोग दिखावा करेंगे आपके साथ में खड़े रहने का, हजारों लोग कहेंगे तेरे संकट में मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन जब रियल सिचुएशन में ट्रबल आती है ना, उस वक्त हजार लोगों में सिर्फ 4 या 5 लोग खड़े रहेंगे आपके साथ में। वही लोग सच्चे होते हैं, आपके लिए सच्चे होंगे, और उनको आप हमेशा अहमियत देना अपनी लाइफ में, उनके लिए आप हमेशा खड़े रहना। सेकंड, ऐसे लोग जो पीठ पीछे भी आपकी प्रशंसा करें, ऐसे लोगों की अपने जीवन में अहमियत देना, उनको सम्मान देना, उनको अपने बराबर बिठाना, उनको अपने दिल में जगह देना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो किसी के पीठ पीछे किसी की प्रशंसा करें। बाकी मुंह के सामने तो हर कोई आपकी प्रशंसा करेगा, हर कोई आपको अच्छा अच्छा बोलेगा, हर कोई आपको टोकता रहेगा आपके सामने, इन फ्रंट ऑफ यू, बट इन बिहाइंड ऑफ यू, जो आपको आपके पीठ पीछे आपकी प्रशंसा करे ना, वही सच्चा इंसान होता है, वही सच्चा हितैषी व्यक्ति होता है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए। उस इंसान को आप अच्छी अहमियत देना अपनी लाइफ में, उस इंसान को कभी मत खोना, क्योंकि ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने जीवन में अहमियत देना और अपने जीवन में उनको महत्वपूर्ण स्थान देना।